अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 4 की मौत और 7 के घायल होने की कलेक्टर ने की पुष्टि। प्रशासन ने अभी तक नहीं बताया है कि यह अवैध फैक्ट्री थी अथवा अवैध गोदाम। मामले को दबाने में लगे कलेक्टर और एसपी। मुरैना मध्य प्रदेश की प्रमुख खबर। बामौर थाना क्षेत्र के जैतपुर रोड स्थित राकेश पुत्र भूरा गुर्जर के मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी, जिसमें आज विस्फोट हुआ और 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग गंभीर घायल हैं, जिनमें से 4 ग्वालियर और शेष मुरैना में भर्ती हैं। इस बात की जानकारी कलेक्टर मुरैना ने एक वीडियो जारी कर दी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अवैध फैक्ट्री किसके द्वारा संचालित थी, और अगर वह फैक्ट्री नहीं थी, गोदाम था, तो क्या इस गोदाम का लाइसेंस जारी किया गया था? अगर लाइसेंस जारी नहीं था, तो इस फैक्ट्री के संचालन की जवाबदारी किस पुलिस और प्रशासन के अधिकारी की तय की जाएगी, क्योंकि यह घटना मुरैना जिले में पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मुरैना में अवैध पटाखा निर्माण को लेकर कई बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं। यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में होता है, इस पर प्रशासन और पुलिस बात करने से बच रही है। आपको बता दें, इस मकान के बाहरी हिस्से में एक दुकान थी, जिसमें निर्मल जैन नामक युवक किराना व्यवसाय करता था। विस्फोट के समय कुछ लोग जो किराना दुकान पर सामान लेने आए थे, वह भी घायल हुए हैं, और मकान के अंदर काम कर रहे जमीन खान के परिवार के लोग भी विस्फोट के बाद मलबे में दब गए, जिसमें गोलू प्रजापति, अन्नो खान, पप्पू उर्फ महेंद्र गुर्जर निवासी पहाड़ी और नवीन खान की मौत हो गई। इसके अलावा निर्मल कुमार जैन, शाहिद खान, विशाल बालवीर और राज बालवीर गंभीर रूप से घायल हैं, जो ग्वालियर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या प्रशासन को इतनी बड़ी फैक्ट्री के संचालन की जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी, तो इस अवैध कारोबार को किसके संरक्षण में संचालित किया जा रहा था? मुरैना से रिपोर्टर दिलीप दीक्षित की रिपोर्ट। आज सुबह करीबन 11:45 के आसपास हमें सूचना मिली है कि एक मकान जो है ढह गया है और वहाँ पे विस्फोट हुआ है, और उसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम लोग तत्काल मौके पर पहुँच गए। SDRF की टीम, नगर पालिका जो अपनी बामौर है उसकी टीम, और नगर निगम मुरैना की टीम और रेवेन्यू और पुलिस कंपनी के साथ में वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर पहुँचने पर पता चला है कि राकेश नाम का व्यक्ति का मकान था, वो मालिक था, उसने जमीन खाक वो जो गोहद का निवासी था उसको किराए पे दिया था। तो जो कार्रवाई के दौरान जो हमें पता चला है कि 4 लोग मृत हुए हैं, वो है जमील खा का पत्नी आलोक खा, जमील की जो पुत्री हैं जोया, और इसके अलावा वहाँ पर जो गोलू उर्फ विजय था, पुत्र प्रजापति, वो वहाँ पर दुकान पे आया था, उसकी मृत्यु हुई है, और पप्पू उर्फ जितेंद्र गुर्जर की मृत्यु हुई है। इस तरह से 4 लोग मृत हुए हैं और बाकी 6 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 लोग ग्वालियर में भर्ती हैं और बाकी अपने मुरैना में भर्ती हैं। फिलहाल में जो सूचनाएँ और जो हम लोगों ने अभी पूरी जानकारी की है, उसमें विस्फोटक का बताया जा रहा है, लेकिन अभी FSL की टीम आएगी, जांच उपरांत ही स्पष्ट कुछ हो पाएगा। वर्तमान में पूरे प्रशासन और पुलिस प्रशासन रेस्क्यू में लगी हुई है, और इलाजों की जो इलाज के लिए ज़रूरत है, उनके लिए जो भी मदद की ज़रूरत है, वो सब प्रशासन कर रहा है।